आप देख रहे हैं TNB। केरल में बेहिसाब बारिश ने लोगों को दहशत में भर दिया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से केरल में भारी तबाही हुई है। वहीं उत्तराखंड में भी 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाथरस, अलीगढ़, आगरा, देवबंद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हस्तिनापुर, चांदपुर, मेरठ, हापुर, किठौर, मुरादाबाद, अमरोहा और आसपास के इलाकों में 18 अक्टूबर को यानी कि आज बारिश होगी, जबकि हरियाणा के पलवल, औरंगाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और राजस्थान के टुंडला, भरतपुर, नागर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। केरल में बेहिसाब बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही हुई है। अकेले कोट्टायम में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केरल में बारिश भूस्खलन की घटनाओं में 26 लोग जान गंवा चुके हैं। NDRF की टीमें राहत और बचाव में जुटी है। राहत कार्य में तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है और इस बीच मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें खासतौर पर कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनामथिट्टा और त्रिशूर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर न निकले और सतर्क रहें। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश से उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण से भी कुछ राहत मिली है। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और नदियों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी यात्रियों को रोका जा रहा है। सरकार ने प्रशासन और SDRF की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश की आज यानी कि 18 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। साथ ही SDRF की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक अगले 48 घंटों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इनमें सबसे ज्यादा हाई अलर्ट उत्तराखंड में है, जहां भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद और शहडोल जिलों में लोगों को अधिक सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की जारी चेतावनी के मुताबिक लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम नुकसान हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।